विभिन्न पंचायतों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर की बाग पंचायत में इस अभियान के काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहां कार्यशाला के जरिए आम लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित किया गया। इस दौरान वेस्ट मटेरियल से बनाई गई उपयोगी चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इंदौर के चंदन नगर में मौजूद बाग पंचायत में इन दिनों स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत यहां एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने, कचरा गाड़ी में ही कचरा डालने, सड़क या घर के बाहर कचरा नहीं फेंकने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस कार्यशाला में वेस्ट मटेरियल से बनाई गई उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी को जुगाड़ नाम दिया गया है। इसमें कबाड़ से बनी साइकिल, डमी मिसाइल, सफाई कर्मचारी और तोप को प्रदर्शित किया गया। हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हमारा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का स्वच्छता ही सेवा वाला जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत इस साल हमने जो नाम दिया है, हर बार मतलब 10 वर्षों की यात्रा है हमारी, इसमें स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता संस्कार, स्वच्छता, ये इस तरीके से प्रोग्राम हमारी जनपद इंदौर में डिस्ट्रिक्ट लेवल और जनपद स्तरीय प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है कार्यशाला का, जो कबाड़ से जुगाड़, जो हमारे ग्राम पंचायतों से गीला सूखा कचरा आता है, जो गीला कचरा होता है उससे हम लोग खाद बना रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और जो सूखा कचरा आ रहा है, सूखा कचरे से जो हमारी प्लास्टिक की बोतल और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे हमने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे जस्ट पीछे की तरफ, तो इसमें ये दिख रहा है कि हम उस प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल से कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे क्या काम में आ सकता है। वैसे निरंतर ग्राम पंचायत वहाँ की यहाँ स्वच्छता को लेकर नए नए अभियान चला रही है, कैसे लोगों को स्वच्छ रहने के लिए अलग अलग तरीके से हम नाटक के माध्यम से या कार्यशाला के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कचरा गाड़ी में डालना है, 2 डस्टबिन रखना है, गीला सूखा अलग अलग करना है, और उस कचरे से आज जो स्वच्छता मिशन जो हमारा चल रहा है ग्राम पंचायत वहाँ द्वारा, जनपद पंचायत इंदौर द्वारा, स्वच्छता ही सेवा, उसको लेकर आज हमने जो कबाड़ में जो चीज़ें गाड़ियों में जो कचरे में जो आती है, जैसे पाइप है, टायर है, साइकिल की दुकान है, साइकिल के आइटम है, कुछ लकड़ी के आइटम है, उससे लकड़ी के आइटम से हमने उनको करके पोत के हमने उसको गमले बना दिए, एक हमने तोप बनाई यहाँ पे, ये भी सब ये कचरे में आई हुई चीज़ों से हमने बनाई है। इसी के साथ साथ हमने एक तोप बनाई है, तोप में भी ये लकड़ी के पट्टिये ये लगे हैं, ये सब सब गाड़ी में कचरे में आया कचरे, ये कबाड़ से जुगाड़ का मतलब ये है, कबाड़े में जो आई हुई चीज़ से हमने ऐसी चीज़ बना दी, जैसे कोई साइकिल बनी है उसमें पहिए साइकिल के और टायर उसमें लगा दिए, तो ये जितनी चीज़ें आती है दिखने को तो वो कचरा रहता है, मगर उसका अगर अपन सही उपयोग करें तो आज ये इतनी बढ़िया चीज़ आज देख रहे हो। लगातार ग्राम पंचायत और एक यहाँ NGO हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में काम कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी स्वच्छता में ग्राम पंचायत वहाँ नंबर बनाए। लोग जैसे शहर में रहते हैं ऐसे लोग यहाँ पे, लोगों की आदत बने कि गाड़ियों में ही कचरा डालें, क्योंकि लगातार इतने प्रयास करने के बाद भी लोग, कई लोग मानते नहीं हैं, कचरा गाड़ियों में नहीं डालते, रोडों पर फेंकते हैं और इस मिशन को फेल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान क्षेत्र के अधिकारी और सरपंच ने आम जनता से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने और समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।